नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनित बाग फिर से आ गया हूँ आपसे मिलने के लिए। और इस बार बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ आपसे मिलने के लिए। एक्चुअली क्या हो रहा है कि दोस्तों, मेरा जो वीडियो बनाने का जो शेड्यूल है वो शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ा गया है और काम भी थोड़ा रहता है जिसके लिए मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो इसीलिए मेरा वीडियो जो है टाइम टू टाइम आ नहीं पा रहा था। लेकिन अभी मैं कोशिश करूँगा कि मेरा जो वीडियो है टाइम टू टाइम आप तक पहुँच सके। तो आज मैं जा रहा हूँ छेड़ पे, जो है मेरा ससुर का घर वहीं पे है छेड़ पे, लेकिन कंपनी सर्विस करते हैं उसीलिए कंपनी क्वार्टर में ही रहते हैं। ये इधर आप मेरा बैक साइड में देखिए, ये कंपनी क्वार्टर है, लेकिन इनका जो खुद का जो घर है वो छेड़ में है। तो आज मैं वहीं जा रहा हूँ। मेरा भांजा का घर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बेटा हुआ था, तो उनका आज छठी का प्रोग्राम है घर में, तो वहीं चलते हैं और देखते हैं प्रोग्राम कैसे क्या चल रहा है। अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए और अंकित को देखिए, अंकित हम लोगों का साथी जा रहा है और अभिजीत अभी तक नहाया नहीं है, वो नहाने का बाद एक साथ आएगा, ऑटो में आएगा अभिजीत। तो जब हम लोग घर से निकले थे तो नाश्ता किए नहीं थे, आधा रास्ता में रुके, नाश्ता किए और उसका बाद ही गए वहाँ पर। तो अभी यहाँ देखिए, हम लोग ये पहुँच चुके हैं छेड़ पे, जो मेरा बिग ब्रदर इन लॉ हैं उनका घर में। तो ये जो रोड देख रहे हैं, ये छेड़ का मेन रोड है और उससे जस्ट 10 कदम जैसे आप चलेंगे कि उनका घर है। ये जो क्रीम कलर का जो घर देख रहे हैं, यही वो घर है मेरा ससुर लोगों का घर, जहाँ पे कि मेरा बिग ब्रदर ब्रदर इन लॉ रहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी आए हैं प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और यहाँ से जो आगे जो दिख रहा है, वहीं पे कल्याण मंडप है, वहीं पे पार्टी चलेगा। कल्याण मंडप भी ज़्यादा दूर नहीं है, देखिए जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। ये जो गाड़ी का जो आगे जो दिख रहा है, यही कल्याण मंडप, यहीं पे पार्टी होगा। तो अभी जहाँ पे पार्टी होगा हम लोग अभी वहाँ पहुँच चुके हैं। मैं इधर डेकोरेशन देखने आया था, ये भांजा छोटा वाला भांजा आए। तो चलिए अंदर से देखते हैं कैसा डेकोरेशन हुआ है, आइए चलते हैं। जब मैं अंदर घुसा और डेकोरेशन जब देखा तो मैं तो दोस्तों शॉक हो गया, क्योंकि प्रोग्राम जो है छठी का प्रोग्राम है, लेकिन इस तरह अरेंजमेंट किया हुआ था जैसे कि कोई अगर देखेगा तो बोलेगा कि ये कोई शादी का फंक्शन चल रहा है। तो मैं भी वही सोचा दोस्तों कि ये तो छठी घर है और छठी घर में इस तरह से अरेंज किया गया है कि जिस तरह से मान के चलिए कि ये कोई भी देखेगा तो बोलेगा कि हाँ ये कोई शादी उदी है शायद। तो स्टेज में देखिए, सब एक एक करके अपना फ़ोटो वोटो लेने में सब बिजी हैं। ये टोटल एरिया है, ये जगह का नाम है धामरा टेंपल संगठन है ये। तो अभी जो कम्युनिटी सेंटर पे जो काम चल रहा है उसको धामरा संगठन कहते हैं। आइए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ धामरा टेंपल भी है और मेरा बैक साइड में देखिए छोटा भांजा आ रहे हैं अभी। तो यहाँ देखिए, यही धामरा टेंपल है और इस टेंपल का बगल में ही ये धामरा संगठन जो है, संगठन कह लीजिए या फिर कम्युनिटी सेंटर कह लीजिए। तो यहाँ पे आप कुछ भी प्रोग्राम अगर करना है आपको, छठी घर हो, शादी हो या कुछ भी, तो उसके लिए इसको बुकिंग करना पड़ता है। बुकिंग के लिए मैंने पूछा भांजा से, लेकिन वो थोड़ा हड़बड़ी में थे तो बात नहीं हो पाया मेरा भांजा से, कितना क्या इसका बुकिंग चार्जेस में कितना क्या खर्चा हुआ। अच्छा लगा देख के, मैं फर्स्ट टाइम गया था यहाँ पर।
तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ का किचन दिखाता हूँ। ये तो हो गया पार्टी का जगह और ये हो गया किचन जहाँ पे कि खाना वाना सब बनता है यहीं पे। तो अपना जो है दाल चावल मिक्स वेज खट्टा जो भी बनना था सब यहीं बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ देखिए पार्टी भी अभी चालू हो चुका है। स्टार्टिंग में कोई भी जगह तो थोड़ा सा भीड़ तो होता ही है, तो अभी स्टॉल जो है भीड़ हो चुका है। मैं स्टॉल के पास ही खड़ा हो रहा था और देख रहा था कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्या नहीं, तो भीड़ का वजह से मैं भी वीडियो बना नहीं पाया। और जैसे थोड़ा खाली हुआ पार्टी होती थोड़ा खाली हुआ तो उसके बाद देखिए ये उतना टाइम का वीडियो है। तो अभी यहाँ स्टॉल में देखिए ये मेरे छोटे बिग ब्रदर इन लॉ हैं और जो हाथ हिला रहे हैं, और बगल में मेरा बड़ा मामा है। आप कहाँ से आए हुए हैं? राउरकेला कंपनी। हम लोग राउरकेला से हैं, देख लीजिए कैमरा से अच्छा से हम लोग बांट रहे हैं। तो चलिए अभी खाना का तरफ भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए ये सब आइटम बना था यहाँ पे, गुपचुप पीठा। लगभग पार्टी ख़त्म हो चुका है, भीड़ जितना भी थे सब खाना वाना खा के चले गए हैं। और जब खाली हो गया तो अभी सब फ़ोटो वोटो खींचने में सब बिजी हैं। यहाँ देखिए स्टेज में बेटा अर्नब है, बस थोड़ा तो सर होता है पर क्यूट सा है। हाय एवरीवन, युवराज सुना है ये बहुत बदमाशी कभी नहीं करता है लेकिन आराम से खाता है। वीडियो देखो तुम पर्सी ने मुई पे थी दे रे हेलो चिबा कथा बोलते। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच सके।